लेकिन बताओ कहें कि चुनाव चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी, जब दारा सिंह चौहान को विधायकीय का चुनाव लड़ना था तो उपचुनाव में जनता को झोंकने की जरूरत क्या पड़ी, सरकारी निधि को खर्च करा करके गरीबी बढ़ाने में और भी इजाफा करने का की जरूरत क्या थी। जब उनकी सदस्यता खत्म किया ना, तो कर्नाटक में बजरंग बली पर कितनों गेम करना चाहे, अरे बजरंग बली ने दैव गदा घुमा घुमा के उनको धूल चटाई दिया। कर्नाटक में देख ही रहे ना, कांग्रेस की सरकार बना दिया, हिमाचल में उनकी दुकान को बंद कर दिया। अब 2024 में जवन है ना, इनकी विदाई निश्चित है, इंडिया की सरकार। अरे मंगरुआ का कहल का है, आज चंद्रयान 3 के पृथ्वी पर उतरने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु। अरे भैया का देखा कहे, नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जैसे पलटी राम पलटू राम मंगरू भाई के जवन है ना, ये बनारस से भागल होना लाठी डंडा जब पड़ल के हुई है घूसा जब ठोकर न तो भाग के ना बलिया में, अब यहाँ लठवाही पिटवाही कुटवाही करने के लिए राजभर समाज के लोग तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, मैं तेज प्रताप। दोस्तों हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में, और घोसी में यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक विशाल जनसभा थी। इसी जनसभा में सभी लोग जो है उपस्थित हुए थे। वर्तमान समय में हमारे साथ खास बातचीत के लिए लोटन राम निषाद जी हैं, जो कि इस समय स्टार प्रचारक का जो है कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के दर्शकों श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं, तो आपके चैनल को जो है कि लाइक करके शेयर करके जो है और जो है कि सहयोग करते रहें, धक्का देते रहें, ताकि लोकतंत्र और संविधान को बचाने में आप लोगों का योगदान जो है इसी तरह मिलता रहे। निषाद समाज का रुख किस तरफ हो रहा है? देखिए, निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी वालों ने बहुत भ्रमित किया, राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला दे करके। और यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2012 में वादा किया था कि हमारी सरकार कभी भविष्य में बनेगी तो राम की नैया को पार लगाने वाले केवट की नैया को भी हम लोग पार लगाएंगे, और मल्लाह केवट बिन धीवर कार गोरिया तुराहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके, और इनके परंपरागत पेशे जो बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का है, तेल मखाना और कमलगट्टा तालाबों से निकालने का है, वह अधिकार देंगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई केंद्र में, तो भारतीय जनता पार्टी वालों का अभियान राज्य से में सरकार बनाओ, तो 2017 में आरक्षण की लालच में ये हमारे समाज के लोगों के साथ साथ कुमार प्रजापति और भर राजभर समाज के लोगों ने भाजपा को ठोक करके वोट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण तो नहीं दिया, जो पहले से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मत्स्य पालन बालू मौरंग खनन का अधिकार दिया था, उस अधिकार को छीनने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने 2013 में राम की नैया को पार लगाने वाले सिंहवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुराज निषाद के जयंती पर 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, उस जयंती को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही खत्म कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 1985 में मछुआ आवास योजना को लागू किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहे, मछुआ आवास योजना की जगह हम निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे, हम तो पूरा प्रदेश में ढूंढत है कहीं चिराग लेके लालटेन लेके मोबाइल का टॉर्च जला के कहीं एको निषाद राज कॉलोनी नहीं दिखाई दे रही है। और योगी की सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मौरंग खनन का अधिकार जो था वह माफियाओं को और विशेषकर अपने बिरादरी के गुंडों को अपराधियों के हाथों नीलाम कर दिया। मत्स्य पालन के पट्टा के लिए तालाब का, झील का, जलाशय का, मीनाशय का पट्टा जो है बड़े बड़े माफियाओं को, दबंगों को, गुंडों को, अपराधियों के हाथों दे करके निषाद समाज की जातियों को अधिकारों से वंचित करके भुखमरी बेकारी की स्थिति में पहुँचा दिया। हम लोगों ने फूलन देवी जी जो नारी शक्ति की प्रतीक हैं, पिछड़े दलित वंचित समाज की आदर्श हैं, उनकी प्रतिमा हम लोगों ने 35-35 फुट ऊंची 25 जुलाई 2021 को लगाने के लिए 18 जिलों में भेज दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, वह एक ठगवा हमारे बिरादरी का कपनचोर है अखिलेश निषाद का कराने वाला संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा को योगी आदित्यनाथ से मिलकर के नहीं लगवाने दिया। और योगी आदित्यनाथ ने भारी पुलिस बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को
को जो है कब्जे में लेने का काम किया, तो यह ना काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब निषाद समाज को इतनी नाराजगी क्यों है? संजय निषाद को, अरे वो ठग है, वो बेईमान है, लुटेरा है, समाज के साथ दगाबाजी, कलाबाजी, छल कपट करने वाला है, वह केवल अपने घर परिवार। ओ भैया देखो, निषाद कहा कि जब यादव की सरकार बन सकती है तो निषाद की सरकार क्यों नहीं बन सकती, तो निषाद पार्टी बनाया। अब बताओ, अपने MLC भाजपा के कोटे से बनवा, अपने एक लड़का को प्रवीण निषाद को जो है संत कबीर नगर से भाजपा के सिंबल पर सांसद बना लिया, दूसरा लड़का श्रवण कुमार निषाद को चौरी चौरा से जो है विधायक बना लिया। तो भाई भोजन भरी थाली कहाँ गई, कौन चट कर गया? राजभर जो है इस चुनाव से संबंधित वो भी राजभर जी के साथ है, निषाद समाज कहा जा रहा है? निषाद समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, भाजपा को हराने के लिए तैयार है, और राजभर समाज और चौहान समाज भी ये दल बदलू चंगू और मंगू दारा सिंह को दारा बनाने के लिए, अब ओम प्रकाश राजभर जैसे पलटी राम पलटू राम मंगरू भाई के जवन है ना, ये बनारस से भागल हो ना, लाठी डंडा जब पड़ल के हुई है अब घूसा जब ठोकर न तो भाग के ना बलिया में, अब यहाँ लठवाही पिटवाही कुटवाही करने के लिए राजभर समाज के लोग तैयार हैं। पहले चुनाव में क्या खासियत थी दारा सिंह चौहान में जो कि यहाँ चुनाव जीते थे? देखिए, दारा सिंह चौहान आए थे, हमारा वोट है भाई, बताओ भैया 90,000 मुसलमाने का वोट, 65,000 जवन है तवन 65,000 यादवे का सोशल इंजीनियरिंग के तहत, 24,000 निषादे का वोट, और बहुमत के साथ जो है कि उनको मिला था विश्वकर्मा का मिला था, प्रजापति का मिला था, नाई का मिला था, सविता का मिला था, चौहान समाज का एकदम ताली ठोक के मिला था। लेकिन बताओ कहें कि चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी, जब दारा सिंह चौहान को विधायकीय का चुनाव लड़ना था तो ये उपचुनाव में जनता को झोंकने की जरूरत क्या पड़ी, सरकारी निधि को खर्च करा करके गरीबी बढ़ाने में और भी इजाफा करने का की जरूरत क्या थी। तो दारा सिंह चौहान ये दल बदल किए, सपा से जीत करके भाजपा में चले गए, इसमें चौहानों का क्या सम्मान है? बताइए चौहानों को कौन सा अधिकार मिल गया? 13 बार दल बदल किए हैं, सपा से सांसद भी रहे, बसपा से भी रहे, भाजपा में भी रहे, मार यहाँ से ये डाल। उन लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, ट्रिपल इंजन लग जाएगा तो और तेजी से चलेंगे ना, और तेजी से विकास करेंगे। ट्रिपल इंजन का उनके बहनियौरे बनी का हाँ, उनके ननियौरे बनी की अजियौरे बनी की मौसियौरे बनी की ककियौरे बनी, कौन उनके हिताई में ट्रिपल इंजन का सरकार बनी? सिंगल इंजन की सरकार थी सपा, डबल इंजन की भाजपा, तो विकास ज्यादा होगा ना। अरे भैया कितना विकास हो गया, कितना रोजगार मिल गया, कितना लोगों को नौकरी मिल गई, आप देख रहे हो ना, 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया। अरे बेईमानों ने 65,000 भी नौकरी नहीं दे पाया, हमारे बेटे और बेटियां चाहे अगड़ा की हो चाहे पिछड़ा की हो, हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, पिछड़ा की हो, दलित की हो चाहे दलित की हो, आज हमारे बेटे और बेटियां BEd करके, UPTET, CTET, UPPET क्वालिफाई करके, BTech करके, MTech करके, MBA करके, हमारे बच्चे बेचारे मनरेगा के मजदूर बने, आज मनरेगा पर बड़ा सीना तान के बेईमानवा कहता चोरवा झूठा देश का गद्दार के। मनरेगा किसने लागू किया भैया? 2008 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी ने बनाया ना। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ना दिया ना। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम जो 5 किलो हिरासनवा मिला था, अब बड़ा वाबाही लूटा था, ये हिटलर का मुर्गा हमारे गरीब गुरबा किसान मजदूर समाज को बनाना चाह रहे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। जब देश हुआ, यहाँ सुई नहीं बनती थी तो गेल सेल भेल, रोल रेल, ONGC, NTPC पावर प्लांट, पोर्टस और इसरो, है चंद्रयान 3। अरे मंगरुआ का कहलत का है, आज चंद्रयान 3 के पृथ्वी पर उतरने पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु। अरे भैया का देखा कहे नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देता हूँ। तो RDSO किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यहाँ का देख लीजिए ना, यहाँ का चीनी मिल किसने बनाया? काटन मिल किसने बनाया? बहादुरपुर की काटन मिल किसने बनाया? आप देख लो घोसी की सठियाओं की चीनी मिल किसने बनाया? अरे जितना हॉस्पिटल विद्यालय देख रहे हैं ना, 95% कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। और जो कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की और विकास के लिए जो सरकारी उपक्रम और संस्थान बनाया, अपने बनिया मित्र वो बजाज की स्कूटर पर चलता था 1980-85 तक जो है नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह के साथ टेंट का धंधा करने वाला वो जो गोविंद अडानी है ना, आज बताइए ओकर जो है एक बार 27,000 करोड़ रुपया, दूसरी बार 11,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, बट्टा खाते में डाल दिया गया। अब बताओ जब नरेंद्र मोदी
जब प्रधानमंत्री बने तो 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा 67 साल में देश पर था, अब 155 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा हो गया, ये विश्व गुरु बनाएंगे। अरे झूठ बोलने वाले, झूठ की खेती करने वाले, बताओ क्यों के छोड़ी है? चुनाव के क्या नतीजे हो? मेहरारू का इज्जत जो इस चुनाव के क्या नतीजे हो? यहाँ पर दारा को दारा बनाएंगे, दारा को हराएंगे, यहाँ से भगाएंगे, दल बदलुओं को सबक सिखाएंगे। इतनी नाराज भैया ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद की दुकान को बंद करेंगे, और फर्जी नारा झूठा नारा देने वाले आरएसएस के अवैध संतानों को लटक के झटक के पटक करके और 2024 वाला इतिहास दोहराने के लिए एनडीए को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को, अरे वोट की ताकत से चोट दे करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र संविधान को बचाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे सारे समाज के लोग जिनकी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से, ये हमारी बिटिया पढ़ाते हैं बहन है सावित्री बाई फूले, कहीं लोग सरस्वती माई का पूजा है, सरस्वती माई तो आके पढ़नी, तब सरस्वती माई का पूजा करके विद्वान बन जाइए, काहे को विद्यालय यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज जाते हो भैया? सावित्री बाई फूले डॉक्टर फातिमा शेख की देन है, छत्रपति ज्योतिबा फूले की देन है कि हमारी बहन बेटियाँ पढ़ने लगी, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का योगदान है कि संविधान में नारी का सम्मान किया, नारी को अधिकार दिया, वह अधिकार हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है लूटने की तैयारी कर रही है, और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीति को लागू करके तानाशाही कायम करने और पूरे देश की अर्थव्यवस्था और खजाना को मुट्ठी भर जो है ना गुजराती बनिया जो हैं उनके हाथों देने की तैयारी ये कर रहे हैं। देखो भैया राहुल गांधी की सदस्यता क्यों खत्म किया? कि उन्होंने कहा कि ये जितने भारतीय बैंकों के रुपया लूट कर भागने वाले हैं सबका सरनेम उपनाम ये मोदी ही क्यों है? तो भैया सदस्यता खत्म करा दिया, 12 तुगलक लेन से उनसे घर से निकाला कर दिया, और जब उनकी सदस्यता खत्म किया ना तो कर्नाटक में बजरंग बली पर कितनों गेम करना चाहे, अरे बजरंग बली ने दैव गदा घुमाए घुमाए के उनको धूल चटाई दिया, कर्नाटक में देख ही रहे ना कांग्रेस की सरकार बना दिया, हिमाचल में उनकी दुकान को बंद कर दिया, अब 2024 में जवन है ना इनकी विदाई निश्चित है, इंडिया की सरकार बनेगी और एनडीए का खात्मा होगा, और इनको भी ना बुलडोजर हमन पर चलावत होंगे, अभी बुलडोजर का यो अब देखें कि हमारो सरकार बनी तो इन्हों लोग पर बुलडोजर चली, इन्हों लोगों के जेल में डलाई, और जितने भगोड़े हैं उनके पीछे हाथ बांध के जौन है ना मुर्गा बना के जौन है पिछवाड़े लाल मिर्ची लगा के और तावा गर्म करके जौन है ना दाग दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।